जय माता जी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू टीच यू नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1, वर्ड प्रॉब्लम। ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 239 पर है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम। उसमें फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम जो है वो है एग्जाम्पल 13। तो एग्जाम्पल 13 में क्या दिया है, देखो, अ लाइन ड्रॉन ऑन अ ग्राउंड वॉज 25 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट वॉज एक्सटेंडेड एट वन एंड बाय 14 मीटर 12 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज इट नाउ? देखो वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले आपको इसको ठीक से रीड करना है, ठीक है? रीड करने के बाद उसमें जो गिवन डेटा है उसको आइडेंटिफाई करना है। मैं इसको एक बार फिर से रीड कर रहा हूं। देखो यहां पर अ लाइन ड्रॉन ऑन अ ग्राउंड वॉज 25 मीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसमें क्या कहा है, एक जो लाइन है इसको हम ग्राउंड पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे वॉज जो लाइन है वो कितनी है, उसकी लेंथ हमें दी गई है 25 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर, ठीक है? तो इसकी लेंथ हो जाएगी 25 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें दिया है इट वॉज एक्सटेंडेड एट वन एंड बाय 14 मीटर 12 सेंटीमीटर। इसको इसके वन एंड से, ठीक है, इस एंड पर हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। एक्सटेंड मींस इसको आगे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? कितना आगे ड्रॉ कर रहे हैं, देखो, बाय 14 मीटर 12 सेंटीमीटर। यहां से आगे हम इसको ड्रॉ करेंगे, कितना ड्रॉ करेंगे, 14 मीटर एंड 12 सेंटीमीटर, ठीक है? इतना हमने एक्सटेंड किया है लाइन को। एक्सटेंडेड मींस आगे बढ़ाना, ठीक है? यहां से हमें आगे ड्रॉ करना, इसको हम कहेंगे एक्सटेंडेड। और हमें फाइंड क्या करना है, देखो यहां पर लास्ट में हमें दिया है हाउ लॉन्ग इज इट नाउ। अब जो लाइन है उसकी टोटल लेंथ क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट गिवन डेटा क्या था, लाइन की ओरिजिनल लेंथ, ठीक है? तो हम यहां पर लिखेंगे ऐसे, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, ओरिजिनल लेंथ थी 25 मीटर, ठीक है? तो ऐसे लिखेंगे मीटर और सेंटीमीटर, मीटर के नीचे लिखेंगे मीटर, सेंटीमीटर के नीचे लिखेंगे सेंटीमीटर, 25 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, ठीक है? उसके बाद इसको क्या किया है हमने, उसका एक्सटेंड किया है, कितना एक्सटेंड किया है, 14 मीटर एंड 12 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड करना है टोटल लेंथ, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों का एडिशन करना होगा, ठीक है? तो देखो ये थी हमारी ओरिजिनल लेंथ और ये है हमारा एक्सटेंशन पार्ट, तो एक्सटेंशन पार्ट को हमें इसमें ऐड करना होगा। तो कितना एक्सटेंशन है, यहां पर लिखेंगे ऐसे, एक्सटेंशन कितना है, 14 मीटर है तो मीटर के नीचे 14 और 12 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर के नीचे हो जाएगा 12। अब इन दोनों का ऐड करेंगे तब हमें टोटल लेंथ मिल जाएगी। चलो अब इनका एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 होगा 2, 8 प्लस 1 ये हो जाएगा 9, फिर मीटर में देखो 5 प्लस 4 9 और नेक्स्ट है लास्ट है 2 प्लस 1 3, ठीक है? ये हो जाएगा 39, ये मीटर के नीचे है 39 तो ये हो जाएगा 39 मीटर और 92 सेंटीमीटर। तो देखो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आपको लास्ट में आंसर ऐसे लिखना है, नाउ
The line is 39 meter and 92 centimeter long. या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल लेंथ ऑफ लाइन इज इक्वल टू 39 मीटर एंड 92 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका एग्जांपल 13। अब करते हैं एग्जांपल 15। अ रोप इज 21 मीटर 28 सेंटीमीटर लॉन्ग। अ पीस 5 मीटर 14 सेंटीमीटर लॉन्ग वॉज कट आउट ऑफ इट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप। देखो इसमें गिवन डेटा क्या है, यहां पर देखो 21 मीटर एंड 28 सेंटीमीटर एंड 5 मीटर एंड 14 सेंटीमीटर। इसमें हमें क्या कहा है, जो रोप है ठीक है, अ रोप इज 21 मीटर एंड 28 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो इसकी लेंथ दी गई ठीक है। रोप की जो लेंथ है 21 मीटर एंड 28 सेंटीमीटर है। अ पीस 5 मीटर 14 सेंटीमीटर लॉन्ग वॉज कट आउट ऑफ इट, उसमें से हमने इतना इतनी लेंथ का जो रोप है उसको कट कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप। तो जो रिमेनिंग रोप होगा उसकी लेंथ कितनी होगी हमें फाइंड करना है ठीक है। यहां पर मैं ड्रॉ करूंगा, मान लो कि ये एक रोप है ठीक है, उसकी लेंथ कितनी दी गई है हमें, 21 मीटर एंड 28 सेंटीमीटर ठीक है, ये टोटल लेंथ है। इसमें से अ पीस 5 मीटर 14 सेंटीमीटर लॉन्ग वॉज कट आउट ऑफ इट, इसमें से 5 मीटर एंड 14 सेंटीमीटर का यहां से कट कर लिया है ठीक है। 5 मीटर एंड 14 सेंटीमीटर क्या 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 किया है यहां पर, इसको यहां से कट कर लेना है ठीक है। अ पीस लॉन्ग वॉज कट आउट ऑफ इट, इसमें से इतना हमें कट करना है। और हमें क्या करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप। इतना अगर हम कट कर लेंगे तो जो रिमेनिंग लेंथ होगी वो हमें फाइंड करनी है। ये लेंथ जो है टोटल लेंथ है ठीक है, टोटल जो रोप था उसकी लेंथ है, उसमें से हमने इतना पीस कट किया है, तो जो रिमेनिंग रोप की लेंथ है हमें फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, इसमें से इतना हम कट कर देंगे यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ठीक है। तो क्या सबसे पहले क्या करेंगे, मीटर और सेंटीमीटर की कॉलम बनाएंगे। इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या होगी, ओरिजिनल लेंथ थी 21 मीटर, मीटर के नीचे हो जाएगा 21 मीटर और सेंटीमीटर के नीचे हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। इसमें से हमें इतनी कट करनी है ठीक है, कितना कट करना है, कितनी लेंथ कट करनी है, फाइव मीटर ठीक है, मीटर के नीचे हो जाएगा 5 मीटर एंड 14 सेंटीमीटर ठीक है। आपको ऐसे लिखना है, लेंथ कट ऑफ कितनी लेंथ कट करनी है, वो हो जाएगी लेंथ कट ऑफ में 0.5 मीटर एंड 14 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर के नीचे हो जाएगा 14। देखो कट करनी है तो हम क्या करेंगे, इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे ठीक है, ओरिजिनल लेंथ माइनस हो जाएगा जितना हमें कट ऑफ करना है। तो चलो इसका सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4 हो जाएगा 4, 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 1। अब देखो यहां पर 1 माइनस 5 नहीं होगा तो इसके लिए बोरो लेंगे, यहां पर 2 का हो जाएगा 1 और यहां पर 1 का हो जाएगा 11 ठीक है। नाउ 11 माइनस 5 कितना होगा, 6, 1 माइनस 0 हो जाएगा 1 ठीक है। तो इसका आंसर मिलेगा 16 मीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तो आप लास्ट में आंसर को ऐसे लिखेंगे, द रिमेनिंग लेंथ ऑफ रोप या फिर द रिमेनिंग रोप लेंथ या कुछ भी आप लिख सकते हो ठीक है। तो यहां पर आपको क्या फाइंड करना था, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, द रिमेनिंग लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 मीटर एंड 14 सेंटीमीटर। आपको लास्ट में ऐसे आंसर लिखना है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, द लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस ऑफ रोप इज इक्वल टू 16 मीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 15।
अब करते हैं एग्जाम्पल 17। ये जो एग्जाम्पल 17 है ये आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 240 पर है। इसमें देखो क्या दिया है, अ रोप वॉज कट इनटू 7 पीस ऑफ इक्वल लेंथ। एक हमारे पास रोप है, इसको 7 इक्वल पार्ट में हमें कट किया है, ठीक है। व्हाट वॉज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रोप, जो रोप है उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। इफ ईच पीस इज 23 मीटर 84 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, ईच पीस की लेंथ हमें दी गई है इतनी है और नंबर ऑफ पीसेस कितने दिए हैं, 7 पीस में हमने कट किया है, ठीक है, और ईच पीस जो है उसकी लेंथ है 23 मीटर्स एंड 84 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट वाज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रोप, जो रोप की ओरिजिनल लेंथ है वो हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले हम यहां पर जो गिवन डेटा है वो लिखेंगे। यहां पर गिवन डेटा में क्या है, देखो लेंथ ऑफ ईच पीसेस हमें दिया है, लेंथ कितनी दी गई है, किसकी लेंथ है, पीस की लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ वन पीस। ईच पीस मींस कोई भी वन पीस है, ठीक है, सभी पीस का लेंथ जो है इतना ही होगा, 23 मीटर्स एंड 84 सेंटीमीटर। तो आप लेंथ ऑफ वन पीसेस भी लिख सकते हो या फिर ईच पीस भी लिख सकते हो। यहां पर मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ वन पीस इज इक्वल टू कितना दिया है, 23 मीटर एंड 84 सेंटीमीटर। और सेकंड हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ पीसेस हमें दिया गया है 7 पीसेस, और सेकंड डेटा होगा नंबर ऑफ पीसेस, कितना पीस दिया है, 7 पीस, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास 7 पीस है, ईच की लेंथ कितनी है, 23 मीटर एंड 84 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहां पर हमारे पास 7 पीस है, ठीक है, मान लो ये वन पीस, सेकंड पीस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, ये सेवंथ है, ठीक है, ये 7 पीस है, ईच की लेंथ जो है 23 मीटर एंड 84 सेंटीमीटर, इन सब की 23, 84 है सबकी। तो हमें क्या करना है, हमें जो रोप था, ये पहले रोप था इसको हमने कट कर दिया था, ठीक है, ईच की लेंथ थी 23 मीटर एंड 84 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी ओरिजिनल लेंथ फाइंड करनी है, देखो यहां पर व्हाट वाज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ रोप। तो हम क्या करेंगे, इन सबका एडिशन करेंगे, सबका एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिपीटेड एडिशन हो जाएगा 23 मीटर एंड 84 सेंटीमीटर का। तो रिपीटेड एडिशन करने से अच्छा है, ये देखो कितने पीसेस है, 7 पीस है, ठीक है, या फिर आप रिपीटेड एडिशन भी कर सकते हो या फिर इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। देखो कितने टाइम हो जाएगा 23 मीटर एंड 84 सेंटीमीटर, ये 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम एंड 7 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 7 टाइम 23 मीटर एंड 84 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है, तो हमें यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यहां पर 7 फोर जा क्या होगा, 7 फोर जा 28, 28 का हो जाएगा 8, कैरी हो जाएगी 2, ठीक है, 7 एट जा 56, 56 प्लस 2 कितना होगा 58, 58 का 8 कैरी हो जाएगी 5। अब देखो 7 थ्री जा 21, 21 प्लस 5 कितना होगा 26, तो यहां पर हो जाएगा 26 का 6 कैरी हो जाएगी 2। अब देखो 7 टू जा 14, 14 प्लस 2 कितना होगा 16। अब देखो इसका आंसर हमें क्या मिला, 166 मीटर एंड 88 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगी ओरिजिनल लेंथ ऑफ रोप। तो आपको लास्ट में आंसर ऐसे लिखना है, ओरिजिनल लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 166 मीटर एंड 88 सेंटीमीटर। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 17। अब करते हैं एग्जाम्पल 19। अ रोप कट इनटू 12 पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ
What is the length of each pieces if the rope was 25 meter 68 centimeter long? इसमें हमें क्या करना है, इससे पहले जो एग्जाम्पल 17 था उसमें हमें ईच पीस की लेंथ दी गई थी, हमें यहाँ पर क्या करना है, ईच पीस की लेंथ हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें ओरिजिनल लेंथ दी गई है, वहां पर हमें ओरिजिनल लेंथ फाइंड करनी थी, ईच पीस की लेंथ हमें दी गई थी। ठीक है, यहाँ पर उल्टा है, ईच पीस की लेंथ हमें फाइंड करना है, ओरिजिनल लेंथ हमें दी गई है। तो इसमें क्या दिया है, देखो अ रोप वॉज कट इन टू 12 इक्वल पीसेस। एक हमारे पास पूरा रोप है, इसको हमें 12 पीसेस में कट करना है। कैसे, 12 पीसेस इक्वल पीसेस। ठीक है, तो यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। ठीक है, ये हो गया 12 पीसेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 पीसेस हो गए इक्वल। तो देखो यहां पर हमें क्या करना है, जो ईच पीस की लेंथ है वो फाइंड करनी है। ठीक है, हर एक पीस जो है इसकी लेंथ कितनी होगी हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो हमें पूरे रोप की लेंथ कितनी दी गई, पूरे रोप जो है यहां से यहां तक उसकी लेंथ हमें दी गई है 25 मीटर एंड 68 सेंटीमीटर दिया है। तो ये पूरी की पूरी जो लेंथ है इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 12 पीस में डिवाइड किया है। तो ये जो लेंथ है इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो ईच पीस है उसकी लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, चलो इसको 12 से डिवाइड करते हैं। देखो हमारे पास है गिवन डेटा में ओरिजिनल लेंथ है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर ओरिजिनल लेंथ हमारे पास 25 मीटर एंड 68 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, इसका ये जो ओरिजिनल लेंथ है इसको डिवाइड करना है 12 पीसेस से। ठीक है, 12 से डिवाइड करना होगा, 12 पीस में डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों को किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मीटर और सेंटीमीटर में दिया है तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा सिर्फ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2500 सेंटीमीटर प्लस हमारे पास है 68 सेंटीमीटर, तो इसका सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2568 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी ओरिजिनल लेंथ, हो जाएगी सेंटीमीटर में, और ये ओरिजिनल लेंथ ही मीटर एंड सेंटीमीटर में, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना है, ये जो ओरिजिनल लेंथ है इसको 12 इक्वल पीसेस में डिवाइड करना है, तो इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे। आपको यहां पर 12 से डिवाइड करना है ऐसे। ठीक है, 2568 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, देखो 2 जो है 12 से डिवाइड नहीं होगा, तो एक साथ हम 2 डिजिट लेंगे यहां पर, तो 12 1 1, 12 2 24, 12 3 36, तो 36 25 से ग्रेटर हो जाएगा, तो 12 2 24। नाउ 25 माइनस 24 कितना होगा, 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 2 0। अब यहां से 6 को हम नीचे लाएंगे। ओके, अब 16 को 12 से डिवाइड करना है, 12 1 1, ठीक है, 12 1 12, 12 2 24 हो जाएगा, तो यहां पर होगा 12 1 12। नाउ 16 माइनस 12 कितना होगा, 6 माइनस 2 4, 1 माइनस 1 0। अब यहां से ऊपर से 8 को हम यहां पर नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 48। तो 12 के टेबल में 48 कब आएगा, 12 1 1, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48। नाउ 48 माइनस 48, 0 0 हो जाएगा, तो हमें आंसर मिलेगा, ये क्वेश्चन में जो होगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये आंसर हमें किस में मिलेगा, या सेंटीमीटर में मिलेगा। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिला, देखो जो सेकंड डेटा था हमारे पास वो था कितने पीस थे, नंबर ऑफ पीस ये थे 12। तो इसको हमने 12 से डिवाइड किया तो हमें आंसर में मिला है लेंथ ऑफ ईच पीस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
214, ये जो है क्वेश्चन पे हमारा आंसर हो जाएगा 214। ये किस में होगा? देखो हमने सेंटीमीटर को 12 से डिवाइड किया था, तो जो आंसर मिलेगा वो भी सेंटीमीटर ही होगा। अब आप अगर चाहे तो इसको मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसको टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पार्ट होगा 100 पार्ट, 100 सेंटीमीटर, और सेकंड पार्ट हो जाएगा लास्ट टू डिजिट, ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर। तो देखो 200 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 2 मीटर प्लस 14 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तो देखो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, लेंथ ऑफ ईच पीस इज इक्वल टू 2 मीटर एंड 14 सेंटीमीटर, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो 214 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 19।